बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स फूड केमिस्ट्री में फूड कलर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कलर्स का इंट्रोडक्शन, कलर्स के फंक्शन और टाइप्स ऑफ कलर में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स एंड सिंथेटिक कलर्स। और नेचुरल कलर में हमने उसकी पहली सब टाइप पोरफायरीन बेस्ड पिगमेंट्स पढ़ लिया था, जिसके अंडर हमने क्लोरोफिल, हेम एंड बाइल पिगमेंट को स्टडी किया था। सेकेंड वन है आइसोप्रेनाइड स्ट्रक्चर्स। नेचुरल कलर्स का दूसरा जो सब टाइप है वो है आइसोप्रेनाइड स्ट्रक्चर्स। इसमें भी कैरोटेनाइड्स आते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैरोटेनाइड्स मेनली लिपिड सॉलोबल कंपाउंड्स हैं, जो रेड येलो कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल में या फ्लावर्स में पाए जाते हैं, या काओ मिल्क में भी पाए जाते हैं, ठीक है। गाय के दूध का येलोइश कलर जो है ये कैरोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है। बफलो के मिल्क में ये विटामिन ए की फॉर्म में ओरिजिनली पाया जाता है। कैरोटीन जो है ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये गाय का दूध जब हम इंजेस्ट करते हैं तो ये बॉडी के अंदर जाके कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि बफलो के मिल्क में अल्लाह ताला ने या नेचर ने ये एबिलिटी रखी है कि वो जो कैरोटीन है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है वाइटामिन ए में, तो इस वजह से उसका कलर वाइटिश या ब्लूइश वाइट होता है और गाय के दूध का कलर जो है वो येलोइश होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कैरोटीन में जो है बीटा कैरोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और इसी के अलावा जो हमारे पास कलर्स में आता है वो है लाइकोपीन, ठीक है। लाइकोपीन भी हमारे जो रेड कलर के जितने भी हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल, ये उनमें पाया जाता है। और रेड कलर का ये जो बेसिकली लाइकोपीन है ये टोमेटोज में पाया जाता है। टोमेटोज वगैरह में ये काफ़ी वाफर मिकदार में लाइकोपीन पाया जाता है, और ये भी आपका जो फूड कलर है आइसोप्रेनाइड ये प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। इसमें हमारे पास जो इनकी अगर हम प्रोसेसिंग स्टेबिलिटी देखें तो कैरोटीनाइड जो है ये हीट स्टेबल हैं और ये फूड्स के अंदर बहुत बेस्ट रिटेन होते हैं अगर इनको लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। और इसके अलावा अगर इनकी ब्लांचिंग की जाए तो भी इनका कलर हम रिटेन कर सकते हैं। लाइकोपीन जो है ये टोमेटोस के अलावा वाटरमेलन्स में भी पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है कैरोटीन्स की, ठीक है। कैरोटीन में बीटा कैरोटीन्स जो हैं ये तकरीबन 85% उसके टोटल अगर वॉल्यूम है या टोटल अगर उसका कंटेंट है तो उसका 85% जो है वो बीटा कैरोटीन होता है। थर्ड वन जो फूड कलर है वो है बेंजोपायरेन स्ट्रक्चर्स। बेंजोपायरेन में हमारे पास एंथोसाइनिन्स एंड फ्लेविनाइड्स आते हैं। एंथोसाइनिन्स जो है ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड हैं, और ये मतलब ये स्पारेंजली जिसको कह सकते हैं, ये पार्शली सॉलोबल होते हैं वेजिटेबल ऑयल और फैट्स के अंदर। ये फिग, मलबरी या रेड ब्लड ऑरेंजेस वगैरह में पाए जाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स में भी होते हैं। ये ऑरेंज, रेड या ब्लू कलर कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट्स को। इसके अलावा इनका और कोई फंक्शन नहीं होता। एंथोसाइनिन जो है ये पीएच सेंसिटिव होते हैं और हीट लायबल होते हैं। अगर इनको ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इनको अगर हम थर्माइजेशन इनकी करते हैं या हाई टेम्परेचर पे इनको ले जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सेम एज अगर हम एसिडिक पीएच में इनको रखते हैं, या ऐसे तमाम फूड जिनका पीएच एसिडिक होता है, खटास होती है उनमें, तो उनमें भी ये नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा ये एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डिग्रेड कर देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को भी, और साथ जो कलर है उसको भी ये डिग्रेड कर देते हैं। इसके अलावा ये ब्लीच डाउन हो जाते हैं जब अगर रॉ मटेरियल की सल्फाइटेशन की जाए तो, ठीक है। सल्फाइटेशन आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि सल्फाइटेशन वो प्रोसेस है जिसमें, ये प्रिजर्वेशन टेक्निक है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ फ्यूम, एज अ स्प्रे या एज अ डिप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर अप्लाई करते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो ड्यूरिंग सल्फाइटेशन भी जो बेंजोपायरेन स्ट्रक्चर के कलर्स हैं ये तमाम ब्लीच डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लेविनाइड आता है। फ्लेविनाइड्स कलरलेस या येलो कलर के कंपाउंड होते हैं जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये हीट प्रोसेसिंग के लिए स्टेबल होते हैं।
मतलब अगर इनकी हम थर्मलाइजेशन करें या हाई टेम्परेचर पर इनको लेके जाएं तो फ्लेविनाइड्स जो हैं ये रिलेटिवली स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू बेंजोपायरेन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन है बीटा साइनिन्स। बीटा साइनिन में जो है ये हम बीट रूट से इनको हासिल करते हैं। शुगर बीट जो है उसकी जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें हम उससे उसमें रेड कलर का बीटा साइनिन होता है जिसको बीटानिन भी कहते हैं, ठीक है। उससे फिर हम ये बीटा साइनिन्स को रिकवर करते हैं। ये बहुत ही इंटेंस और स्ट्रॉन्गर कलर है कई और कलर्स के मुकाबले में। हम जब प्रोसेसिंग करते हैं शुगर बीट की चीनी प्रोड्यूस करने के लिए या शुगर लेने के लिए, तो उस वक्त हम जब बीट रूट से जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करके ताकि उसमें से हम लिक्विड और उसमें अगर कोई पल्प है तो चूंकि दोनों डिफरेंट डेंसिटी रखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके जो हमारा लाइटर डेंसिटी का लिक्विड होता है वो आउटसाइड वॉल्व के जरिए या आउटलेट वॉल्व के जरिए हम निकाल लेते हैं और जो पल्प है वो हमारा सेंटर में रह जाता है क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी होती है। इसी तरह से उसके बाद हम उसकी पास्चराइजेशन कर लेते हैं ताकि कोई अगर बैक्टीरिया या कोई स्पोर्स वगैरह उसके अंदर हैं तो वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, एक विस्कस थिक लिक्विड उसको बना देते हैं जिसमें से फिर हम शुगर को रिकवर कर लेते हैं जो ऑलमोस्ट 70% होता है उस सोल्यूशन का, और 0.5% बीटानिन हमें हासिल होता है। ये बीटानिन, यही बीटा साइनिन हमारे पास कलर कंपाउंड है जिसको फिर हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं एज अ फूड इंग्रेडिएंट। कई हमारे पास डिशेज में, खानों वगैरह में ये यूज़ होता है। लास्ट वन जो नेचुरल कलर में हमारे पास टाइप आती है वो है कैरामल्स एंड मेलानाइडीन्स, ठीक है। कैरामल्स जो है ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैरामलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम शुगर्स की जब कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं ना तो उसको फिर हम उन कलर को या शुगर की इस प्रॉपर्टी को फिर हम इन्वॉल्व करते हैं ब्रेड मेकिंग में, कॉन्फेक्शनरी में और सिरप वगैरह बनाने में। आपने अक्सर देखा होगा लाइक जैसे घरों में हम हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम जब चीनी को हीट अप करते हैं तो वो ब्राउनिश जब कलर देता है तो वो आगे जाके उस हलवे को भी वो ब्राउनिश सा एक खास किस्म का उसको फ्लेवर भी देता है और कलर भी देता है, ठीक है। तो ये कैरामल है। इसके अलावा और कई हम कॉन्फेक्शनरी या इस तरह से टॉफीज वगैरह आप देख लें कि जिसमें एक ऊपर से तो जो उसका क्रंची सा एक होता है कवर वो तो आपका शुगर को जब हम वो करते हैं सॉलिडिफाई करते हैं वो होता है। अंदर अक्सर उनकी एक लिक्विड टाइप का उनके अंदर एक विस्कस थिक सा पाया जाता है लिक्विड, ठीक है, वो हमारे पास कैरामल होता है। तो इसको वाइडली यूज़ किया जाता है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस वगैरह में भी यूज़ करते हैं और बेकिंग इंडस्ट्री में इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेलानाइडिन जो है कैरामल्स के अलावा ये मेलार्ड रिएक्शन के थ्रू हमारे पास आता है जिसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड और रिड्यूसिंग शुगर के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उससे भी एक ब्राउन कलर का जो पिगमेंट है या कलर है वो डिवेलप होता है, तो हम इनको मेलानाइडिन्स कहते हैं। इसको भी सेम एज हम इन्वॉल्व करते हैं या इनको हम डालते हैं फूड्स के अंदर जस्ट लाइक कैरामल्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम फूड में कलर इम्पार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स की टाइप्स, ठीक है। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं ये अब हम स्टडी करेंगे। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जो नेचुरल कलर्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनको हम लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो टाइम हमें चाहिए होता है, जो हमारे पास हम उसके लिए हमें एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वक्त फिर हमारे पास जो एक ऑप्शन रह जाता है वो है कि हम लैब के अंदर सिंथेटिकली कलर्स को डिवेलप करें, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कलर हम तभी उनके ऊपर वर्किंग करते हैं जब नेचुरल कलर को हमारे पास पॉसिबल ना हो कि हम उसको प्रिपेयर कर सकें। आर्टिफिशियल कलर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डाइज एंड लेक्स। डाइज और लेक्स जो हैं ये बेसिकली दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लेक्स जो है ये डाइज ही से प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन डाइज आपका प्योर कलर होता है। लेक्स जो है ये डाइज की जो वीकर फॉर्म आप कह लें या उनका कुछ परसेंट लेकर उससे फिर इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। डाइज जो है ये वाटर सॉलेबल होती हैं, कोलतार से इसको प्रिपेयर किया जाता है, और जो लेक्स हैं ये फैट सॉलेबल होते हैं।
अच्छा, डाइज जो है ये डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। आप जब इनको पानी में डालते हैं ना, तो इनको ये फौरन कलर को फैला के वो डिजॉल्व हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, लेक्स जो हैं ये डिस्पर्शन के थ्रू कलर देते हैं, क्योंकि ये ऑयल में सिर्फ डिजॉल्व होते हैं। तो आपने देखा है ना कि ऑयल में तो ये उस तरह से नहीं डिजॉल्व हो सकते जैसे पानी में होता है। तो ऑयल में ये क्या करते हैं कि इस ये जब आप डालते हैं ऑयल्स के अंदर, तो ये डिस्पर्स हो जाता है ऐसी सरफेस के ऊपर, उसके स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे पास हीट स्टेबल है। ठीक है, मतलब अगर हम इनको हीट भी देते हैं तो ये स्टेबल होते हैं और लाइट के अगेंस्ट भी स्टेबल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो प्योर डाई कंटेंट है ना, ये लेक्स में हमारे पास 10 to 40% होता है, क्योंकि ये तो हम डाइस से बनाते हैं, तो ये उनका वीकर आप कह लें कि फॉर्म है। और डाइस जो है ये, चूंकि प्राइमरीली हम इन सेंथिसाइज इनको हम करते हैं या प्राइमरीली इनको हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें स्ट्रेंथ जो है वो 80 to 90 या 95 तक जाती है। ठीक है, 90 to 95 तक जाती है। और इसके अलावा जो दोनों का यूज़ है वो बिल्कुल सेम है। डाइज हमारे पास थोड़ा सा ज़रा पावरफुल कलर है, लेक्स उन्हीं से बनाया हुआ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारे पास लाइटर या वीक हमारे पास कलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आए, तो आप काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।